बोल बेबी, मेरे साथ चल। कहाँ लेके जाएगा? जन्नत। जन्नत तो मैं हूँ। इसको जन्नत देखनी होती है ना, वो मेरे पास आते हैं। और वैसे भी लगता है तू तो नर्क से आया। करता क्या तू? अभी तो रास्ते में हूँ, तो वो तुझे किधर जाने का छोड़ देगा? वो देख, वो लाल गाड़ी में कौन बैठा है? सुलेमानी साहब। अगर मैंने उसको जाके बोला ना जो तूने मुझे अभी बोला, वो तेरी छोटे छोटे टुकड़े करके समंदर में फेंक देगा। तू प्रॉपर्टी उसकी? कुकु किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। तो मेरे साथ चल के साबित क्यों नहीं करती? ईसा का टाइम खत्म हो चुका है, मेरा चालू है। सोच ले, उसकी और मेरी कहानियों की शुरू हुई, बस एंट्री मारी मैंने और पहली रील में हीरोइन से मुलाकात हो गई। फिल्म भी देख लिया, मेरे साथ आएगी ना, पिक्चर जबरदस्त बनेगी। अगर हीरोइन हीरो के साथ पहली शॉट में निकल गई ना, तो घंटा पिक्चर बनेगी। पिक्चर तो तब जबरदस्त बनेगी जब हीरो हीरोइन को विलेन के नाक के नीचे से छीन के लेके जाए। देखो, हीरो बनना है ना तो पहले कॉमेडी छोड़, कुकु को सिर्फ एक्शन अच्छा लगता है। तब समझा मैं, इस शहर को जीतने वाले कुकु के सामने हार क्यों जाते हैं। वो जीतने का इनाम नहीं थी, वो जीतने का रास्ता थी। मेरे को क्या मालूम था, जिस बंबई के लिए हम लड़ रहे थे वो किसी की नहीं होने वाली थी। ईसा और मैं खुद खत्म करेंगे इस शहर को और उसी के साथ